सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह उठने के बाद मुझे न्यूज़ मिली है कि रात को बारिश हुई है, तो थोड़ा अच्छा वेदर हो रहा है बाहर, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे साहिब मौसम का नज़ारा लेते हुए और मुँह तोड़ दूंगी तेरा। इसने पता क्या किया, सुबह सुबह जैसे ही काम करके गई ना वो आंटी, इसने पूरा पानी का मग भरा हुआ पूरे में फैला दिया, क्योंकि इसको मैं अच्छी नहीं लगती कि कोई काम मतलब मेरे को ना करना पड़े, सारे काम मुझे दोबारा करने पड़े। फिर दोबारा से मैंने पोछा लगाया है। और ये है डुगू, गुड मॉर्निंग करो गाइस को। आवाज नहीं आई गाइस को। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी रिपोर्ट्स आ चुकी है, पता नहीं लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि डॉक्टर मैंने भेजी, अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हाँ, और हमको समझ में नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि वो अलग टाइप के टेस्ट हैं, तो हमको भी नहीं समझ आ रहा। तो हम अभी डॉक्टर जब बताएगी तो उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट चालू होगा, है ना। पर होपफुली सब कुछ अच्छा आया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं नोना के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, वैसे तो मैं सैंडविच मम्मी ठीक है, मतलब डुगू को तो ऐसी पसंद है। वैसे तो मैंने सैंडविच के लिए आलू बॉयल किए हैं, लेकिन डुगू ने बोला कि मुझे सिंपल दे दे, तो मैं डुगू को दाल दे रही हूँ, क्योंकि डुगू को दाल चाहिए। और ये यहाँ पे ब्रेड वो कर देती हूँ थोड़े से, क्योंकि इनको क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड अच्छे लगते हैं, तो मैंने इनको बिल्कुल क्रिस्पी कर दिया। इसके बाद डुगू मेडिसिन खा लेंगे। बस ये रहा मेरी नोना का ब्रेकफास्ट। और मैं आपको दिखा दूँ, कुछ लोग बोल रहे थे नारियल पानी दो, हमारे यहाँ पे पर डे के 3 नारियल आते ही हैं रोज रेगुलरली, हमने भैया को लगाया हुआ एक, वो लेकर आते हैं। और अभी फिलहाल मैं डुगू का नाश्ता लेके जा रही हूँ, डुगू ये खाएगा और डुगू जल्दी से दवाई खा लेगा। ना देखो ब्रेड एकदम क्रिस्पी कर दिया मैंने, देखो ना क्रिस्पी कर दिया मैंने ब्रेड एकदम। नाश्ता करो पहले बाबू, चलो। गाइज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, मैं नहाने ही जा रही थी, तो डुगू ने उतने में बोला कि मुझे ब्रेड सेक के दे दे, मेरे को सैंडविच नहीं खाना है। हालांकि रात को ये डिसाइड हुआ था कि सुबह सैंडविच बनाना है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जैसा इनका मन करे वैसा खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी ने मेरे से बहुत देर बात करी, कहती है कि इसको यहाँ लेके आ जा, और मतलब प्रॉब्लम हो रही होगी तुमको भी, तो मम्मी ने बोला कि इधर लेके आ जाओ, तो इसे यहाँ पर ट्रीटमेंट करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला आपको फालतू में लोग ताने मारते हैं वहाँ के, फिर बेटे ने शादी कर ली, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। मम्मी कहते मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपने घर आ, तेरा घर है, उसका घर है, उसको लेकर आ। फिर आज सुबह मेरी बुआ का फ़ोन आया, दोनों का, मेरी बुआ ने बोला कि इसको जलंधर लेके आ जा, यहीं ट्रीटमेंट करा लेंगे। मतलब मेरे को अच्छा लगता है यार, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा इसको प्यार करते हैं कि वो तकलीफ़ में है। हर बार वो यही पूछते हैं कैसे कर रही है, कैसे हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही ब्लॉग देखते हैं ऐसी फ़ोन आता है उनका कि यहाँ पे लेके आ जा। और मैं अब अपने हिसाब से ही चलने वाली हूँ, जो मेरे को जैसा मुझे ज़्यादा लगेगा कि मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना है इनका, जहाँ से मुझे कम्फर्टेबल लगेगा मैं वहाँ से कराऊँगी, क्योंकि मुझे मुंबई में सच में नहीं समझ आ रहे डॉक्टर्स, जिसके पास भी जाते हैं वो अलग तरीके से ट्रीटमेंट देता है। तो मैं देखती हूँ कि क्या अभी रिपोर्ट्स में डॉक्टर क्या बोलती है, उसके बाद क्या। तो भाई शाम के 5 बज चुके हैं, दिन में मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में मैंने क्या किया है, ऐसे तो कुछ नहीं किया, मैं सैंडविच बनाए मैंने बस, और डुगू ने तो खाए नहीं थे सैंडविच, डुगू ने तो सिंपल ब्रेड खाए थे। उसके बाद डुगू को थोड़ा पेन होने लग गया था, इन्होंने एडिटिंग वेडिटिंग की, मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था और नहा के पूजा वगैरह की, फिर मैंने बीच में शूट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि डुगू की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, बेस्ट क्या करना है। एंड एक गायनो से डुगू का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, 24 इयर्स के एक्सपीरियंस है उनको, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जल्दी होपफुली नोना जल्दी ठीक हो जाएंगे, ज़रा टाइम नहीं लगेगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोल दो गाइस को कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, ठीक हो जाओगे जल्दी। हाँ मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख रही हूँ ना, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे पास होगी एक तरफ तुमको बेस्ट फील कराने के लिए और मैं नहीं होंगी तो तुमको बेस्ट फील होगा, और पूरी दुनिया नहीं होगी और मैं सिर्फ रहूँगी तो होगा, ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती बुलवाया है मैंने आपसे। चलो फिर मेरे ऊपर कुछ कहो, नहीं होगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस एक दो दिन की बात है, ठीक हो जाएगा, ठीक है, बी पॉजिटिव।
ठीक है, ऐसे छोटे मोटे दर्द से जिंदगी में आते रहते हैं, अपने को घबराना थोड़ी है। गंदी सी सिस्ट भाग जाएगी जल्दी से। जैसे वो आंटी आज नज़र नहीं उतार रही थी, उसको ऐसे बोल रही थी, कल मुही कल कलंकनी कुलक्षणी है ना, डंकनी, सुना था आपने, देखा था ना वीडियो वाला, बस गंदी सी सिस्ट भाग जाएगी ऐसी। तो अभी शाम को देखती हूँ मैं जिम जाना है कि नहीं जाना, मतलब जाऊँगी वैसे तो मैं, होपफुली डोगो को पेन ना हो, क्योंकि अभी इनको क्या है ना, पेन हो रहा है धीरे धीरे, हल्का हल्का हो रहा है, कभी तेज हो जाता है तो वैसा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है डोगो अभी, और प्रॉपर ठीक हो जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी मैंने डोगो को दिया है माल्टा खाने के लिए, क्योंकि इनको सिट्रस फूड खाने हैं, और अभी इससे पहले मैंने डोगो को एप्पल दिया था, तो ज़्यादा मैं फ्रूट जूस इस टाइप की चीज़ें ही देने की कोशिश कर रही हूँ डोगो को, ताकि थोड़ी शरीर में जान भी रहे, और पानी भी काफ़ी पी रहे हैं डोगो, है ना। वाटर इनटेक भी मैंने बढ़ाया हुआ है इनका, तो वाटर इनटेक इनका अच्छा खासा है, तो वो चल रहा है फ्लो में। सो अभी फ़िलहाल बस मैं 6:30 बजे करीब रेडी हो जाऊँगी, और फिर अपन जिम चले जाएंगे, और बाकी जिम का जो भी है वो आपको वहीं दिखाऊंगी। और रोहन ने मेरे को टेंशन दी हुई है कल से, बोल के कि आज फंक्शनल है, फंक्शनल मेरी बॉडी गवारा करती नहीं है, मतलब कर लेती है गवारा जब पड़ती है मेरे ऊपर, वैसे मेरे को टेंशन रहता है कि मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी करके। आपको मिलती हूँ गाइस जिम जाने के टाइम पर, अब मैं ज़्यादा हिल डुलूंगी नहीं, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपसे जिम जाने के टाइम पर मिलती हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, एक और यहाँ पे पास में एक डॉक्टर हैं जो मेन गायनों के हैं, तो हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे एक सेकंड ओपिनियन लेने जा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, उनको रिपोर्ट्स वगैरह दिखाएंगे एंड ऑल, बस यही करने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को, मतलब डुगू भी कह रहे थे 3-4 दिन पहले कि मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि आजकल यीशु सिंदूर नहीं लगाती, मैं सिंदूर लगा रही थी पहले भी जिम जाती थी जब ऐसे ओपन मांग करके, लेकिन जब मैं पसीने आ रहे थे फिर वो पूरा बह बह के मेरे फेस पे आ रहा था स्वेटिंग से, तो जिसकी वजह से मैं आगे से नहीं लगाती थी। अभी भी आप देख रहे हो कि मैंने सिंदूर लगाया और स्वेटिंग कितनी आ रही है, तो और क्योंकि मेरे को गीला सिंदूर लगाने की आदत नहीं है, मैं सूखा लगाती हूँ, तो वो पसीने की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा इसलिए वो करती हूँ। नहीं बाबू, मैं आपसे पूछ तो रही थी, तो अभी हम जैसा कि डुगू ने बताया एक सेकेंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, होपफुली सब कुछ अच्छा होगा, और दो की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, एक दो चीज़ें आई हैं उसमें, तो मैं आपको बताऊंगी, अभी डॉक्टर से मिलके आते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, हमें किस तरफ जाना चाहिए ये इसके लिए। देखो ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहे, चीज़ें नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बहुत बता रहे हैं ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, बट हर चीज़ के लिए ना एक सामने वाले को देखना पड़ता है कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, हर किसी के भी हाथों में उसको सौंप नहीं सकती, किसी भी डॉक्टर के हाथों में उसको सौंप नहीं सकती कि भाई इसका ट्रीटमेंट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर 100-100 एक्सपेरिमेंट हो, इसलिए बहुत ही लिमिटेड सी मेडिसिन चल रही हैं जो पेन को कवर कर सके, क्योंकि एग्जैक्टली अभी डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा, जिसके लिए 4 अभी टेस्ट हुए हैं, ये एक इंटरनल टेस्ट थे जिनकी रिपोर्ट्स आई है, बाकी का अपडेट मैं आपको इसके बाद दूंगी कि क्या चीज़ें हैं, एंड मैं मिलती हूँ उसके बाद आपसे, बाद में मिलते हैं आके, ठीक है गाइस। मम्मा मेरी सारी नोज पिंक करोगी क्या? मेरा इतना प्यार आज इतना प्यार आ रहा है, वैसे तो डांटती रहती है उसको, मैं प्यार भी तो करती हूँ उसको इतना ज्यादा। हाँ मेरी बच्ची सुनो, मेरी बात सुनो, कुछ गंदे लोग ऐसा कह रहे थे कि मम्मा पापा आपको बाहर छोड़ दे, बताना कुत्ते भैया आपको खा जाएंगे, फिर कुत्ते भैया को मैं क्या कर पाऊंगी, मम्मा तो कुत्ते भैया को प्यार करती है तो कुत्ते भैया को मार भी नहीं सकती अगर शायद को काट लिया तो। रात के 11 बज चुके हैं और हम डॉक्टर के पास से आ गए थे, और अभी थोड़ी देर पहले हमारा डिनर हुआ है, क्योंकि हम डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद हम नीचे बैठे हुए थे थोड़ी देर, मतलब जो गार्डन एरिया है उसमें बैठे हुए थे, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी, तो थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थे वहाँ पे, डुगू को पेन भी नहीं हो रहा था, और जैसा कि आपको पता है रात को तो डुगू को पेन होना मतलब होना ही है, तो अभी पेन हो रहा है, दवाइयाँ ले ली हैं तो थोड़ी देर में रिलीफ मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो व्लॉग एंड कर देती हूँ मैं, और मैं जिम नहीं गई आज क्योंकि हम डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर से बातचीत की है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते आगे, तो डॉक्टर ने दो ही चीज़ें बताई हैं,
या तो मेडिसिंस का बोला है, मेडिसिंस का ट्रीटमेंट है 3 मंथ्स का, लेकिन 3 मंथ्स में रिजल्ट कैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि उस पर जाते भी हो तो जो पेन में रिलीफ है वो 1 महीने के बाद ही आना शुरू होगा, मतलब वो दवाइयाँ 1 महीने के बाद पेन में रिलीफ देना शुरू करेंगी। और 1 महीना क्या है, 1 सेकेंड भी झेलना बहुत मुश्किल है, पेन इतना सीवियर पेन है। और दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया है सर्जरी का, तो आज पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकला है, रोते हुए, टेंशन लेके, दस दस चीज़ें करके, बहुत एक्सट्रीम लेवल की टेंशन थी पूरे दिन। तो अभी डॉक्टर से बातचीत करने के बाद, और हम टोटल 4 से 5 डॉक्टरों से ओपिनियन ले चुके हैं अभी तक, हम सोच रहे हैं कि जो भी बेस्ट हो वो ट्रीटमेंट करें। अभी देखते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं, कि मेडिसिंस पे जाना है कि सर्जरी पे, क्योंकि पेन तो बर्दाश्त के बाहर है, और पेन में तो मैं नहीं देख सकती इस बंदे को, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वो सिर्फ मैं ही देख रही हूँ, या फिर जिस बंदे के पेन हो रहा है वो झेल रहा है अपने ऊपर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो लेट्स सी, आज मैंने इनसे पूछा कि आप बताओ आप सर्जरी पे जाना चाहते हो, तो मेरे को इनके लिए डर लग रहा है, ये मुझे बोल रहे हैं कि तू कैसे मैनेज करेगी, मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, मैं सब मैनेज हो जाएगा, ऐसे कोई टेंशन नहीं लेती मैं ऐसी किसी बात की, ठीक है। जब अपन खुशियों में साथ रहते हैं, जब हम अच्छे टाइम में साथ रहते हैं, तो मैं किसी वीक पॉइंट पे, किसी वीक टाइम पे थोड़ी ना खुद को साइड कर लूँगी, या फिर मैं थोड़ी ना ऐसा सोचूंगी कि बस मैं बस एक बार पूछ के मैं साइड हो गई। मैं नहीं हट सकती यार ऐसे पीछे, ऐसे मेरे से नहीं हो पाएगा कि मैं बंदा तड़फ रहा हो दुख में और मैं सो जाऊँ, ऐसा मेरे से नहीं हो सकता, सॉरी मैं वहाँ से बिल्कुल भी नहीं। तो कोई बात नहीं, टाइम भी निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है, क्योंकि हम दोनों को ही डिसीजन लेना है इस पर कि क्या बेस्ट रहेगा, कोई तीसरा तो नहीं है। चलो गाइज, इसी पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।